हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक कॉम्पिटिटर मोल्ड है जिसे हम येलो मोल्ड कहते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। येलो मोल्ड, सो फ्रेंड्स, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है येलो मोल्ड। येलो मोल्ड इज टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टर मोल्ड। ये भी एक कॉम्पिटिटर फंगस है और जब ड्यूरिंग मशरूम कल्टीवेशन ये मोस्ट केसेस में अपीयर होती है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ येलो मोल्ड जो कि ग्रेट अमाउंट में एक कंसिडरेबल लॉस क्रिएट करती हैं ड्यूरिंग मशरूम कल्टीवेशन। ये लॉस एक इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो ये कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट फंगस हैं जो येलो मोल्ड कॉज करते हैं? सबसे पहले माइसीलियो फ्थोरा, यूशिया, क्रायोस्पोरम, मर्डेरियम, देन सेबडोनियम, क्रायोस्पर्मम, देन हाइपोमाइसम, हाइपोमाइसिस, क्रायोस्पर्मम। ये चार तरीके के अलग अलग फंगल स्ट्रेन्स हैं, यह कह लो अलग अलग जेनरा हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं उनकी, जो येलो मोल्ड की जो बीमारी है वो कॉज करते हैं। सो इनिशियली जो येलो और एक टॉनी स्पॉट फंजाई का हमें नजर आता है, जो धीरे धीरे जिसके जो एजेस हैं वो वाइट फ्लफी होते हैं। एजेस मतलब जो उसके कॉर्नर हैं वो वाइट और फ्लफी रहेंगे और ये कंपोस्ट पे उसके इनिशियल सिम्टम रहते हैं। जब शुरुआत कंपोस्ट आप देखिए, पहली बात यहाँ पे बीच में मैं काट रहा हूँ, ये ध्यान रखिए जितनी भी कॉम्पिटिटर मोल्ड्स हैं, जितनी भी हम कॉम्पिटिटर मोल्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से 99% जो कॉम्पिटिटर मोल्ड्स हैं वो कंपोस्ट में किसी कमी के कारण आते हैं। अगर आपकी कंपोस्ट प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं है तो आती है। तो ये सारी की सारी जो हैं ये कंपोस्ट में है, तो इनके सिम्टम कहाँ नजर आएंगे? इनिशियली कंपोस्ट में नजर आएंगे। अगर कोई भी इस तरीके की कॉम्पिटिटर मोल्ड आपके कंपोस्ट में आती है, इसका मतलब आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है। इनिशियली कहता सम टाइम ये कैनरी और सल्फर कलर, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है सल्फर, वैसा कलर ये शुरू में नजर आता है। बट इसका माइसीलियम, अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, माइसीलियल स्टेज पे हम किसी भी फंगस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते विद नेक डाई। अगर मैं अपनी बेयर आंखों से देखूं तो मैं किसी भी फंगल स्टेन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए इसका ये बिल्कुल जैसे हमारी वाइट मशरूम फंगल माइसीलियल होता है, वैसे ही इसका भी माइसीलियम हमें नजर आता है। फंगस धीरे धीरे अपना कलर चेंज करती है। जो स्पॉट है इसके, मान लीजिए ये बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग 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 पैचेस स्पॉट्स प्रोड्यूस करती है, धीरे धीरे ये सारे स्पॉट मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में और एक कह लो फेलो कलर लेयर फॉर्म कर देते हैं जो स्ट्रोमा की तरह नजर आता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली हमेशा जब बहुत ज्यादा माइसीलियम, जैसे स्पॉन है, स्पॉन बहुत ज्यादा आपने डाल दिया तो माइसीलियम एक जगह इकट्ठा होकर ग्रो कर गया तो एक हार्ड मास फॉर्म कर देता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, मोटा सा रबड़ जैसा। तो यहाँ पे भी जो माइसीलियम का स्ट्रोमा केसिंग लेयर, जैसे मान लो ये आपकी केसिंग लेयर है और ये नीचे आपकी कंपोस्ट है, कंपोस्ट और केसिंग लेयर के सरफेस पे जहां पे इंटरफेस है वहां पे ये स्ट्रोमा प्रोड्यूस कर देता है। और बेड कहता विच आर रिच येलो मोल्ड, जहां पे येलो मोल्ड बहुत ज्यादा है वहां पे एक मेटेलिक स्मेल आएगी जैसे कार्बाइड की आती है। कई बार जो मशरूम माइसीलियम, कई बार क्या, मोस्ट केसेस पे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटर मोल्ड हो, जहां पे भी कॉम्पिटिटर मोल्ड ग्रो करेगी वहां पे आपके मशरूम का माइसीलियम लगभग डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर येलो मोल्ड पिनिंग स्टेज पे आती है, अगर आपकी येलो मोल्ड पिनिंग स्टेज पे आती है तो ये पूरा का पूरा पिन आपका खराब कर देती है, पिन्स आपके डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। येलो मोल्ड बेसिकली बहुत ज्यादा स्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली मुझे फार्म से भी आया था, लेबर ने हाई टेम्परेचर पे स्पॉनिंग कर दी, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे स्पॉनिंग करने की वजह से उसके स्पॉन में येलो मोल्ड आ गया। अब स्पॉन में पूरा येलो स्पोर्स नजर आ रहे हैं, ये स्पॉन में पूरे, ये मान लीजिए आपका गेहूं का बीज है,
ठीक है, ये पूरा येलो हो जाता है, ये स्पॉन में पूरे येलो मोल्ड नजर आ गया उनके। और ये भी येलो मोल्ड ही है, इसकी स्पीशियस अलग रहती है। अब इसमें कहता, इसमें एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो विंड से, चाहे फ्लाई से, या पर्सनल क्लोथ से, ये कंपोस्ट में फिर इन्फेक्ट कर देती है। जो इसके स्पोर्स हैं वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। क्या है? हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान में रखें, कोशिश करें भी आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली प्रिपेयर हो, ताकि ये आए ही ना। येलो मोल्ड यूजली, मैंने जैसे अभी बताया भी, अगर आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है, तो येलो मोल्ड के आने के कारण क्या है, आपकी जो कंपोस्ट है उसका पेस्चराइजेशन, जब पेस्चराइजेशन आप कर रहे थे उसका टेम्परेचर लो था, उसका टेम्परेचर हमने क्या रखना है, 60 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन। बट पेस्चराइजेशन के वक्त ही उसका टेम्परेचर क्या रहा, लो रहा, वो प्रॉपरली पेस्चराइज नहीं हुई। जितना हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए था उतना रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं पहुंच पाया, और उतना ही टेम्परेचर हमें देर तक उसे नहीं दे पाए। क्लियर? तो इस केस में आपकी येलो मोल्ड आती है। उसके बाद जो कंपोस्ट, कंपोस्ट का स्ट्रक्चर, मान लीजिए स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपकी कंपोस्ट में अपना जिप्सम कम डाला है तो कंपोस्ट ग्रीसी बनेगी, ठीक है, हैवी, चिपचिपी रहेगी, हाथ में पकड़ोगे तो चिपचिपी रहेगी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और प्रॉपरली ग्रीसीनेस है उसमें, बिल्कुल प्रॉपर ग्रीसीनेस है, तो उस कंपोस्ट में भी येलो मोल्ड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसमें ग्रीसीनेस रहती है। येलो मोल्ड को हम मशरूम कल्टीवेशन के दौरान बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले कैसे कंट्रोल करेंगे, कंपोस्टिंग फेज, जो पेस्टराइजेशन टेम्परेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स। क्लियर? और जब इन्फेक्शन आ गई तो सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं, ध्यान रखिए, मशरूम इंडस्ट्री में अगर आप, इफ यू आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली लॉट ऑफ केमिकल्स, अगर आप बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली पेस्टराइज है तो येलो मोल्ड के आने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। फर्दर मोर, केमिकल जो आप यूज कर रहे हो, यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बेनोमाइल एंड ब्लिटॉक्स, इसका स्प्रे करेंगे, ये एक इफेक्टिव कंट्रोल देती है और आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो इंक्रीज है, इंक्रीज यील्ड हो जाएगी। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करेंगे, 15% इफेक्टिव है। याद रखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमें जब आपका क्या नाम है, पिनिंग स्टेज है, तब हमें यूज नहीं करनी है। क्लियर? फिर इन्फेक्टेड बैचेस, जो बैच आपका इन्फेक्ट हो गया उसको हम स्टीम स्टरलाइज करेंगे, स्टीम स्टरलाइज कर देंगे, जिसे हम कुक आउट कहते हैं। जब आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली, जब आपने मशरूम प्रॉपरली ले ली, तो आप क्या करेंगे, नेचुरली आप कमरे को प्रॉपरली बंद कर देंगे, तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जब उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो वो नियरली आपका जितना भी अनवांटेड स्पोर है उनको किल कर देगा। अदरवाइज अगर कि आपके पास स्टीम की फैसिलिटी है तो आप बॉयलर से स्टीम दे सकते हैं। सो दीज आर द बेटर टू कंट्रोल दीज कॉम्पिटिटर मोल्ड्स। बट कॉम्पिटिटर मोल्ड्स को अगर आप कंपोस्टिंग के दौरान ही प्रिकॉशंस ले लें, तो कॉम्पिटिटर मोल्ड के आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।